जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह आयुक्त सभागार में चिकित्सकों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण, टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा की और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री के संदेश पत्र को भी लाभार्थियों को वितरित किया। वितरण कार्यक्रम के दौरान ड्रेस में नहीं आने पर उन्होंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश सीएमओ को दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा में सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना है। अब देश का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में मरेगा नहीं। उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, आदरणीय प्रभारी मंत्री सर, डीएम सर, सीडीओ साहब, सभी ऑफिसर्स और जो हमारे पैनल, जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रधान आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री भारत माननीय हमारे प्रभारी मंत्री महोदय के कदमों से आज उस पत्र को एक औपचारिक रूप में 2-3 एमओसीज का लाभार्थी को दिलवा के बाकी ये कार्यक्रम हम ब्लॉक लेवल पे भी विधायक बंधुओं से, ब्लॉक प्रमुख बंधुओं से इनॉग्रेट कराते हुए उन तक पहुँचाएंगे। ये प्रधानमंत्री का पत्र ये सबूत है कि वो परिवार इस योजना के तहत आच्छादित है और इस पत्र में ऊपर एक बार कोड बना हुआ है। वो कोड ऐसा कोड है कि अगर हम कोड रीडर से उसको अपने आरोग्य मित्र द्वारा रीड कराएंगे तो पूरे परिवार का नाम, मुखिया का नाम और उस परिवार में कितने सदस्य हैं वो खुल जाएगा। एक बहुत बड़ी योजना है स्वास्थ्य सुविधा देने के गरीब परिवारों को और करीब करीब भारतवर्ष में 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। अब्दुल गनी, आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित हो चुकी है 23 सितंबर से, जिसका प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से और मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर जनपद से उद्घाटन किया था। यह विधिवत चालू हो गई है। इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने समस्त लाभार्थी परिवारों के नाम पत्र लिखा है और वो पत्र हमारे जनपद को प्राप्त हो चुका है, जिसका कि औपचारिक रूप से आज हम प्रभारी मंत्री महोदय से उद्घाटन कराएंगे और प्रत्येक परिवार को वो पत्र आशा, आंगनबाड़ी और हमारी एनएम के माध्यम से घर घर भेजा जाएगा। भेजने के बाद पंच किया जाता है, जिससे कि ये पता हो जाए कि वो पत्र उन तक पहुंच गया। ये पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, साथ में इस पत्र में बार कोड है और बार कोड का मतलब ये हो गया कि जिसे ये पत्र मिला है उस परिवार को कंफर्म हो गया कि वो इस योजना के तहत आच्छादित है और इस पत्र को मढ़वा कर रख ले और जहाँ भी कभी भी इलाज के लिए जाता है और ये पत्र ले जाता है तो केवल वो बार कोड की रीडिंग करके ही उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इस योजना से आपके जनपद में, गोरखपुर जनपद में 3 लाख परिवार यानी 15 लाख लोग लाभान्वित होंगे। वो सभी भारतवर्ष के इंपैनल्ड हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, सब में 5 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य लाभ की योजना है। अब कोई भी गरीब व्यक्ति भयंकर बीमारियों से तड़प तड़प कर नहीं मरेगा। उपचार के लिए अभी जनपद गोरखपुर में 53 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। 11 अस्पताल सरकारी हैं और 42 अस्पताल निजी अस्पताल हैं। अब जनपद गोरखपुर में भयंकर बीमारियों से, चाहे वो कैंसर की बीमारी है या कोई और बीमारी है, असमय मृत्यु नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। योगी सरकार इसको प्राथमिकता से लागू कर रही है।